हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बूंदी के लड्डू। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है 2 कप बेसन, ठीक है, और उसमें 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा है कि उसकी कंसिस्टेंसी आप आगे जाकर वीडियो में देखिएगा कि कैसे बना है। उसमें थोड़ा मैंने फूड कलर भी ऐड कर दिया है कि उसका थोड़ा कलर अच्छा दिखे। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है, उसमें मैंने जो हमने तैयार करके रखा था बेसन वो उसमें डाल दिया है, आधा, मतलब ओवरलोड ना हो। फिर मैंने कुछ नहीं, बस पकड़ा है, मैं कुछ प्रेशर दे भी नहीं रही हूँ, बस वो वैसे ही गिर रहा है और आप देखिए कितनी अच्छी बूंदी गिर रही है उसमें। तेल में से निकालने के बाद आप डायरेक्ट चाशनी में डाल सकते हैं बूंदी, या थोड़ा ठंडा होने के बाद भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के फिर डाला है बूंदी चाशनी में। आपको बूंदी एटलीस्ट 5 मिनट भिगो के रखनी पड़ेगी चाशनी में, और आपको चाशनी पूरी ड्राई होने से पहले ही लड्डू बांधने शुरू कर देने पड़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।